इस्लामोफोबिया से निपटने के लिए वैश्विक स्तर पर एकजुट हुए एंटोनियो। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने शुक्रवार को न्यूजीलैंड की दो मस्जिदों में हुई गोलीबारी को भयावह बताया है। उन्होंने कहा कि इस्लामोफोबिया से निपटने के लिए वैश्विक स्तर पर एकजुट होकर लड़ना होगा। उन्होंने पीड़ितों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। गुटेरेस के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा कि गुटेरेस ने मस्जिद और सभी पवित्र धर्म स्थलों की पवित्रता का स्मरण करते हुए इस दिन सभी लोगों से शोक संतप्त मुस्लिम समुदाय के साथ एकजुटता दर्शाने का आग्रह किया है। उल्लेखनीय है कि न्यूजीलैंड के क्राइस्ट चर्च में शुक्रवार को दो मस्जिदों में किए गए हमले में 49 लोगों की मौत हो गई थी। इस हमले में भारतीय मूल के 9 लोग लापता हो गए थे और 2 लोग घायल हो गए थे। शनिवार को इस हमले के मुख्य आरोपित ब्रेन टायरेन को गिरफ्तार कर शनिवार को अदालत में पेश किया गया। अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए उसे 5 अप्रैल तक के लिए हिरासत में भेज दिया है।